ओके गाइस, तो ये है होने वाली है एनालिसिस वीडियो कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। तो आज डेट है 15 तारीख को, हम लोग एनालिसिस करने वाले कल के लिए 16 तारीख। तो कल का क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी 50 में? गाइस निफ्टी 55 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो निफ्टी आज बहुत अच्छा अपसाइड का मूव दिया है और निफ्टी 50 में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है जिस पर निफ्टी एक और दो बाउंस ले चुका है। तो कल क्या सीन रहेगा, निफ्टी 50 अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गाइस निफ्टी 50 वापस से आके रिटेस्ट करके एक रेजिस्टेंस से वापस नीचे आएगा। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है रेजिस्टेंस एरिया 18,000। और अगर इनके निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होता है तो निफ्टी गैप अप ओपनिंग बाद इसी 18,000 के लेवल से रिटेस्ट लेके अपसाइड का मूव देगा। निफ्टी 50 पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है जिससे निफ्टी आके एक सपोर्ट ले सकता है। इन केस अगर निफ्टी सपोर्ट लाइन को तोड़ता है तो नीचे एक सपोर्ट एरिया 17,950 का है और दूसरा सपोर्ट एरिया 17,900 का है। तो निफ्टी में दो ट्रेड पॉसिबल है गाइस। निफ्टी गैप अप होता है तो आप नीचे जब ये सपोर्ट लेना है तो यहाँ से अपसाइड की मूव ले सकते हैं, या अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो निफ्टी आके रिटेस्ट करे तो आप एक डाउनसाइड की मूव देख सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक का। थैंक यू। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके गाइस, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सिंपल है गाइस। आज बैंक निफ्टी ओपन होते साथ एक डाउनसाइड मूव लिया, प्रीवियस डे के सपोर्ट जो है सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे का हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है, सपोर्ट एरिया 41,460 से 41,480, यहाँ से एक सपोर्ट लिया और तुरंत से एक अपसाइड मूव लेके हमारे रेजिस्टेंस एरिया जो कि 41,720 से 41,700 का लेवल है उस पे उसको क्रॉस करके अपसाइड किया। तो बैंक निफ्टी का कल क्या सीनरी हो सकता है? अगर बैंक निफ्टी गैप अप के केस में बैंक निफ्टी एक रिटेस्ट लेने आ सकता है अपने इस सपोर्ट लेवल का जो कि 41,720 से 41,700 का और वापस से एक अपसाइड मूव दे सकता है, या फिर इन केस बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया 41,720 वाला। इस रेजिस्टेंस एरिया से जब बैंक निफ्टी आके टकराएगा तो हम लोग एक शॉर्ट सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं जिसका सीधा सीधा टारगेट बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट लेवल 41,460 से 41,480 तक का दे सकता है। बैंक निफ्टी पे दोनों ही तरीके की ट्रेड आप ले सकते हैं गाइस। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो एक सपोर्ट पे फिर यहाँ से अपसाइड की मूव, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है या इस लेवल को ब्रेक करता है गाइस बैंक निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं कर पाता तो हम लोग एक डाउन साइड एंट्री देखेंगे। तो इसी तरीके के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल हाई ऑन फाइनेंस को। थैंक यू गाइस।